सॉलिड वर्क की एक नया फीचर जो कि इलिप्स के नाम से है, इसको ड्रा करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले प्लेन को सिलेक्ट कर लेना, उस पर स्केच करना है, उसके बाद आप इलिप्स ड्रा करेंगे। इलिप्स की हमारे पास चार टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ वन हम पहली टाइप को डिस्कस करेंगे। ये प्लेन पे क्लिक किया, सिलेक्ट नहीं हुआ था पहले। अब मैंने सेंटर किसी पॉइंट पे क्लिक करूँगा, अब मैं उसका रेडियस डिफाइन करूँगा, कितने रेडियस की मैं इलिप्स ड्रा करना चाहता हूँ, इसका रेडियस डिफाइन कर दिया। अब मैं उसका माइनर रेडियस भी सिलेक्ट करूँगा, मेजर रेडियस सिलेक्ट कर ली, अब उसका माइनर रेडियस, किस माइनर रेडियस पे मैंने ये इलिप्स ड्रा करना है। सपोज मैंने लेट्स सपोज ये ड्रा किया, अब मेरी इलिप्स ड्रा हो चुकी है। अब सेकेंड टाइप है, वो मेरे पास है पार्शियल इलिप्स। पार्शियल मीन जो कंप्लीट ना हो, कंप्लीट ना हो वो पार्शियल इलिप्स होती है। इस तरह ये वाली फुल है, ये वाली फुल नहीं होगी जो अब मैं ड्रा कर लूँगा। रेडियस डिफाइन किया, उसका माइनर रेडियस भी डिफाइन किया। अब उसके बाद पार्शल का ऑप्शन अब काम कर रहा है कि पार्शल मुकम्मल बनानी है या मुकम्मल भी बना सकते हैं, या फिर उसे कम बनाना है, इस डायरेक्शन में बनाना है या फिर उस डायरेक्शन में बनाना है, जिस एंगल की चाहे आप बना सकते हैं। डॉटेड लाइन आपको रहनुमाई करेगी भी हमारे पास एग्जैक्ट मैच हो रही है लाइन टू लाइन के नहीं, या आपकी पार्शल भी ड्रा होगी। अब थर्ड है हमारे पास पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व को आपने पढ़ा भी होगा। इसके लिए मैंने पास सबसे पहले इसका ये एक लाइन सेलेक्ट की है। अब उसके अलावा मैं इसे काफ़ी बड़ी ड्रा हो गई है, थोड़ी छोटी करके ड्रा करते हैं। पैराबोलिक कर्व पे गए, सेलेक्ट किया इसका इनिशियल पॉइंट एंड देन उसकी लेंथ डिफाइन की है कितनी रखनी है। तुम्हारे पास पैराबोलिक कर्व एक ड्रा हो गई। अब मैं इनिशियल बेस पॉइंट पे क्लिक करूँगा। फिर मैंने पार्शियल वाला ऑप्शन है जी, कंप्लीट ड्रा करनी है या फिर इसे मैंने पार्शियली ही ड्रा करना है। इसमें दोनों फीचर्स एक ही साथ मौजूद हैं। हमारे पास कॉनिक कर्व। कॉनिक कर्व हमारे पास, इसका मैंने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ड्रा किया। अब हमें इसे कॉनिक टाइप करवा, जिस लेंथ की मर्जी चाहूँ उसे ड्रा बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूँ। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी कॉनिक कर्व ड्रा हो जाएगी। अब मैं इधर लेके जा रहा हूँ, इधर नहीं जा रही क्योंकि पीछे से ये इस पॉइंट से बाउंड हो चुकी है, अब इस तरफ नहीं जाएगी दोबारा मज़ीद। ये देखें, ये हमारी कॉनिक कर्व भी ड्रा हो चुकी है। सो इस लेक्चर में हमने एलिप्स की चारों टाइप्स डिस्कस की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।